सारे लोगों ने वाटर कलर के लिए वोट किया। हाँ दोस्तों, हाल ही में मैंने पोल डाली थी कि मैं वाटर कलर के लिए वीडियो बनाऊं या पेंसिल स्केच के ऊपर। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वाटर कलर के लिए वोट किया, इसलिए मैं आज वाटर कलर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। बट काफ़ी लोगों ने जिन्होंने पेंसिल के लिए वोट किया था, डोंट वरी, पेंसिल स्केच के ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगी। आप लोगों में से जो मुझसे काफ़ी टाइम पहले से फॉलो कर रहे हो, आप जानते हो कि मैं ऑयल पेंटिंग से कितना प्यार करता हूँ। एंड ऑयल पेंटिंग इज़ लाइक, उसके लिए मेरा दिल धड़कते रहता है। बट कभी कभी जो दिल है ना, उसको दूसरे मीडियम्स भी ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। तो वाटर कलर पे भी कभी कभी शिफ्ट कर जाता हूँ मैं। वाटर कलर भी बीच बीच में मैं करते रहता हूँ। और ये वेरिएशंस लाने भी ज़रूरी है। अगर आप एक मीडियम में काफ़ी टाइम तक काम कर रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट करते हो तो एक जो वेरिएशन है, एक मज़ा है, वो बरकरार रहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सब कुछ ट्राई करो एक पर्टिकुलर मीडियम में जाने से पहले। और जब एक पर्टिकुलर मीडियम आप सिलेक्ट कर लो सब कुछ ट्राई करने के बाद, तो उस मीडियम को करते करते दूसरे मीडियम भी बीच बीच में करते रहो, क्योंकि आपको उससे मज़ा आएगा और नए एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, नई चीज़ें सीख पाओगे, और ये ज़रूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कैमल के आर्टिस्ट ग्रेड के कलर। कलर लिए हैं मैंने कोबाल्ट ब्लू, प्रशियन ब्लू, येलो ऑकर, सैप ग्रीन, वर्मिलियम, क्रिम्सन, बर्नड सियना, लाइट रेड, बर्नड अम्बर, ऑरेंज। तो ये सारे शेड्स हैं जो मैं इस्तेमाल करूँगा आज। सिंथेटिक ब्रश मैं इस्तेमाल करता हूँ अक्सर वाटर कलर के लिए, पर आज मैं सिर्फ एक ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। और इस ब्रश की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो ये ब्रश ले सकते हो। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो जो मैंने सामने रखा है मीडन का, वो अलग से मिलता है, उसके अंदर मैंने ट्यूब से कलर निकाल के डाले हैं। ये बॉक्स आप प्लेन एयर जब करते हो, बाहर जाके पेंटिंग करते हो जब, तब वो काम आता है। तो आप चाहो तो वो बॉक्स ले सकते हो या फिर नॉर्मली किसी भी पैलेट में कलर निकाल सकते हो। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एकदम लाइट लेयर से क्रिम्सन की, क्योंकि जो शेड है मैं चाहता हूँ कि जो बेस लेयर है उसमें एक हल्का सा पिंकिश का टच रहे, इसलिए मैंने क्रिम्सन लिया है। ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैंने दिखाए हैं आपको वैसे ही कलर लेने हैं या वैसे ही शेड करनी है। सब डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोर्ट्रेट बना रहे हो, उसमें कैसे शेड्स आप देने चाहते हो। तो इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको यही कलर लेने हैं, बस आप कलर को लाइट लीजिएगा शुरू में। खासकर आप जब पोर्ट्रेट करो तो कलर्स एकदम लाइट लीजिएगा। यहाँ पे मैं येलो कलर का टच दे रहा हूँ राइट साइड पे, और ये भी एकदम लाइट। शुरू में कहीं पे भी आपको डार्क नहीं करना है, ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करनी है वाटर कलर की, और ये इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके कलर वाइब्रेंट जो लुक है वो आए। और ये ज़रूरी है वाटर कलर में कि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते रहो और कलर को एकदम लाइट तरीके से इस्तेमाल करो। मैंने वाटर कलर पे 3 एक्सरसाइज डाली थी बहुत पहले, और वो एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी डार्क से लाइट शेड्स पाने में। अगर आप वाटर कलर पे नए हो तो आपको आई बटन में वो तीनों वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप वाटर कलर की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। और वो एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको शेड्स आपके क्लियर होंगे। तो आप देख सकते हैं जिस जगह में मुझे जो कलर चाहिए बेस, उसकी बेस को मैं एकदम लाइट ले रहा हूँ, कहीं पर भी डार्क शुरू से नहीं जाना है। अगर आप शुरू से डार्क कर देते हो तो आप डेप्थ नहीं ला पाओगे अपने वर्क में और लाइट भी नहीं कर पाओगे अपने कलर्स को बाद में। और वाइट कलर और ब्लैक कलर से आप शुरू में तो कम से कम दूर ही रहिए, क्योंकि आप शुरू में अगर उनके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो डार्क और लाइट आप पानी के मदद से या दूसरे कलर को मिला के करने की प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे। तो शुरू में उनसे दूर रहिए। और ये हमारा पहला लेयर एकदम लाइट सा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन दोस्तों, जस्ट टू टेल यू कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जरूर कर देना, क्योंकि मैं कुछ लाइव सेशन करते रहता हूँ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो सेशन मिस करो, और वो सेशन यूट्यूब पे भी नहीं अपलोड होंगे, तो वो लाइव सेशन आप इंस्टाग्राम में ही देख पाओगे। तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, मैं अपनी आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड या वीडियो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जैसे जैसे आप लेयर बढ़ाते जाओगे कलर थोड़े थोड़े डार्क होते जाएंगे। पहला लेयर हमने जो लाइट सा दिया, अब उसके ऊपर जहाँ जहाँ डार्क एरियाज है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डार्क शेड अब दे रहा हूँ। आइज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग इसमें गलती कर देते हैं कि वो डायरेक्टली ब्लैक या कुछ कर देते हैं,
जो एकदम डार्क सा दिखता है। अगर यहाँ पे मैं ब्लू आइज़ भी बना रहा हूँ तो मैंने एकदम लाइट ब्लू पहले लिया है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे डार्क की शेड है वहाँ पे बस मैं डार्क लगा रहा हूँ ताकि उसमें डेप्थ आ सके। और आँखों को डेप्थ देना आँखों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँखें सेंटर ऑफ फोकस रहती हैं एक पोर्ट्रेट में। तो जब भी आप आइज़ करो वाटर कलर से, तो आप कभी भी एक कलर मत देना डायरेक्टली, कोई डार्क कलर मत देना। पहले लेयर वाइज आपको लाइट देने हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको डार्कनेस देनी है, एंड इसी से ही आपके वर्क में डेप्थ आएगी। और जहाँ पे आपको वाइट छोड़ना है, जैसे आँखों की जो हाईलाइट है वहाँ पे वाइट छोड़ना है, तो उस जगह में आपको संभल के पेपर को ही छोड़ देना है, उस जगह में कलर नहीं करना है आपको। और ये इम्पॉर्टेंट है शुरू में, शुरू से ही आप वाइट कलर पे या एक्रिलिक के इस्तेमाल पे, इन सब पे शुरू से ही डिपेंड मत रहो। आपको शुरू में अपने हाथों को उस कंट्रोल में लाना है, अपने ब्रश को उस कंट्रोल में लाना है, ताकि आप छोटे छोटे जगहों पे कलर भर सको। और इसलिए आपको एक पॉइंटेड ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, आपके ब्रश अच्छे होने चाहिए वाटर कलर में। एक्रिलिक वगैरह में ब्रश थोड़े से ख़राब भी होते हैं तो चल जाता है, लेकिन वाटर कलर में ब्रश का सही शेप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप वाटर कलर के ब्रश को चेक करो तो उसको पानी में भिगा के थोड़ा सा झाड़ लेना पानी को, अगर वो अपने आप अपनी शेप ले रहा है मतलब आपका ब्रश सही है और आप उसको बारीकी बारीक जगह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ वो काफ़ी मोटा ब्रश है, बट उसकी पॉइंटेड है टिप, तो मैं उसको ईजीली इस्तेमाल कर पा रहा हूँ छोटी छोटी जगहों पर भी। तो आप देख रहे हैं कि जिस जगह पे मुझे लाइट छोड़ना था, जैसे कि ये नोज़ के एरिया है जहाँ पे आप बीच में देख रहे हो कि वाइट एरिया हल्का सा छूटा हुआ है, उस जगह पे मैं कलर लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उस जगह पे मुझे हाईलाइट दिखानी है। इसलिए वो जगह पे मैंने लाइट ऑलरेडी रखा हुआ है, उस जगह पे मैं कलर ही नहीं कर रहा हूँ। अब लिप्स थोड़े से डार्क हैं, तो जब बेस लेयर इसका सूख गया तो तुरंत फिर मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लिया क्रिम्सन और वर्मिलियम को मिला के, एंड हल्का सा टच आप बर्न टम्बर या बर्न सीना का कर सकते हो अपने फ़ोटो के हिसाब से, जो भी आप फ़ोटो से बना रहे हो लाइव बना रहे हो अपने कलर के हिसाब से, आपको उस हिसाब से कलर मिक्स करने हैं और वैसे ही शेड देनी है। बस पेशेंस बना के रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि कलर फ्लो होते हैं, अच्छा लगता है, तो फास्ट करने का मन करता है। क्योंकि मैं जब शुरू में करता था वाटर कलर तो मुझे भी मन करता था कि जल्दी जल्दी कलर हो, देख के मज़ा आता है, पर पेशेंस बना के रखिएगा। एक लेयर करने के बाद उसको सूखने दीजिए। अब जैसे आप लिप्स पे काम कर रहे हो सपोज़, तो जब तक वो सूख रहा है तब तक आप नोज़ में या आईज़ में काम करो, तब तक वो सूख जाएगा, फिर आप लिप्स में आओ। ऐसा ना करना कि आपका लिप्स अभी आपने अभी भी उसको किया है और वो भी गीला है और आप उस पर लेयर पर लेयर देते जा रहे हो, ऐसे में कलर मैच्ड अप हो जाएंगे, सब बिखर जाएगा। इसलिए एक लेयर दो, उसको सूखने दो 5 मिनट, तब तक आप दूसरे एरिया पे काम करते रहो, फिर आप अगला लेयर दो। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, आप पोर्ट्रेट कर रहे हो या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आपने लिया है, सब जगह ये प्रिंसिपल हैं कुछ बेसिक जो आपको ध्यान में रखने हैं। एंड कुछ मिस्टेक्स हैं जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं बिगिनर्स की, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जो आपको वो भी आई बटन में मिल जाएगी, तो उस चीज़ को भी आप देखिएगा। आपके बहुत सारे मिस्टेक होते होंगे जो आपको उस वीडियो में मिलेंगे और उसको कैसे सुधारना है आपको समझ आएगा जब आपको पता चलेगा कि ये सारी मिस्टेक आप करते हो। तो आप अभी देख रहे हैं कि कैसे मैं, और अगर मुझे कहीं पर डार्कनेस चाहिए तो मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, और सभी डार्क एरियाज़ को मैं लेयर वाइज ही ऐड कर रहा हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वाटर कलर में पोर्ट्रेट कर रहे हो तो जिस जगह में लाइट छोड़ना है वो सारी चीज़ें, जहाँ पे डार्क करना है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। नाउ मैं भी जो डार्क शेड देने वाला हूँ उस पर मैं ब्लैक नहीं ले रहा हूँ, ओके? ब्लैक आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपके कलर में वाइब्रेंसी नहीं आएगी, शुरू में तो खासकर आपको नहीं ही करना है। जब तक आप एक्सपर्ट ना बन जाओ आप ब्लैक एंड वाइट से दूर रहो, ताकि आप प्रैक्टिस सही से कर पाओ। तो यहाँ पे डार्क शेड है, मैं आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें प्रशियन ब्लू, सैप ग्रीन एंड वर्मिलियम, जो हमारा रेड है, उसको मिक्स करके ये डार्क शेड बनाया है। और इसको भी आप जब शुरू में दो तो आपको पतला रखना है, बहुत ज़्यादा अगर आप कलर ले लोगे तो वो एक बार में डार्क बन जाएगा, तो इसको भी आपको पतला रखना है। आपको बस कलर चाहिए, अभी कलर की बेसिक लेयर चाहिए अभी। और यहाँ पर जो
टी शर्ट है उसके लिए मैंने बेसिक सा येलो दिया है। हेयर पे भी मैं डार्क नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा शुरू से। साइड में जो आप पेपर देख रहे हो एक छोटा सा लगा हुआ मेरे, वो मैंने इसलिए रखा है ताकि अगर कोई कलर मुझे चेक करना है या फिर पानी ज़्यादा हो गया तो मैं उस पर एक दो बार स्ट्रोक दे के अपना ब्रश को नॉर्मल कर लूँ, पानी निकाल लूँ एक्स्ट्रा जो है। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, या फिर आप कॉटन कपड़ा एक रख सकते हो जिसमें आप ब्रश को अपने पोंछते रहो अगर आपने पानी ज़्यादा ले लिया है तो। जब डार्क लाइट आपकी जो चीज़ें हैं वो हो जाएं, तो बेसिक कुछ टच आप दे सकते हो जहाँ जहाँ पे, अगर आपको थोड़े से डार्क एरियाज़ और देने हैं या फिर कहीं पे लाइट देना है तो आप देख सकते हो। लाइट तो वैसे आप नहीं दे पाओगे वाटर कलर में अगर आपने उस एरिया को डार्क कर दिया तो लाइट एरिया में आपको बच के रहना है, लाइट एरिया को शुरू से ही लाइट छोड़ देना है। डार्क एरिया में आपको अपना जो कंट्रोल है आप वहाँ पर पा सकते हो। तो डार्क एरिया में आप कलर ऐड करते रहो अपने वैल्यू के हिसाब से, कहाँ पे कितना डार्क करना है वो आप देख सकते हो। लेकिन लाइट एरिया में आपको शुरू से ही ध्यान रखना है कि उस एरिया में आप कलर ना करो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसे लगी, और आने वाले कुछ टॉपिक्स जो आप लोगों को चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। मैं चाहता हूँ कि हमारी ये फैमिली अच्छी बड़ी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार है मेरे साथ, और हमारी ये फैमिली बड़ी होते रहे, हम और आर्ट लवर के साथ जुड़ सकें, और भी ज़्यादा चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ, और भी ज़्यादा चीज़ें मैं ला सकूँ, और लाइव सेशंस भी मैं लाऊंगा यूट्यूब पे, तो मैं नहीं चाहता आप मिस करो। उसके लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, और उसके अलावा शेयर कर देना वीडियो, शेयर करोगे तभी ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और काफ़ी ये फैमिली जल्दी बड़ी हो सकेगी। जितनी जल्दी बड़ी होगी उतनी जल्दी मैं उतने ज़्यादा एफर्ट डालूंगा, उतने ज़्यादा मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगा। सो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, comment, subscribe and hit the bell icon. So I'll see you in the next video. Tab tak ke liye keep making artwork and thank you so much for giving your time and watching this video.